बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्री फर्स्ट ईयर लेक्चर नंबर 5 मैथमेटिक्स करेंगे। पहले चार लेक्चर में आपने 3.1 और 3.2 के कुछ क्वेश्चन किए हैं। अब हम 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। 3.3 क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन 2 का एक पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 का पार्ट आप करते हैं 1। 2 तक आपके हो गए थे। 2 x 1 3 x 2 = 4। अब इनके नाम दे दें। इसका नाम कैपिटल ए, इसका नाम कैपिटल एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी। इसको कहेंगे नंबर 1। आपको पता है जब मैट्रिक्स दूसरा जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा। अगर लेफ्ट साइड पे है तो इनवर्स भी लेफ्ट साइड पे, वो मैंने 3.1 में डिटेल में बताया था। अब ए इनवर्स निकालना, उसको बी से मल्टीप्लाई करना है। ए है क्या? 2 - 3 - 5 और 1। ए इनवर्स के लिए आप पहले क्या निकालेंगे? ए का डिटरमिनेंट, वो है 2 - 3 - 5 और 1। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? मेन डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 2 - 1, दरमियान में माइनस, और सेकेंडरी डायगोनल को 5 - -3। 2 - 2 - 5 + 5 = 15, 15 + 2 = 17। अब क्या निकालेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? जो मेन डायगोनल की जगह चेंज करते हैं, 2 1 की जगह इधर 1 आ जाएगा और इधर 2, और जो सेकेंडरी डायगोनल है -3 की जगह +3 और 5 की जगह -5। ये आपके पास एडजॉइंट है। अगर एडजॉइंट में मेन डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज करते हैं और सेकेंडरी के साइन चेंज, ए इनवर्स को फॉर्मूला लगाते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू में बच्चों है 1, 3 - 5 - 2 डिवाइड बाई ए का डिटरमिनेंट आपके पास है 17, तो इसको बाय कर लेते हैं 17। ऊपर कुछ नहीं, 1 होगा, 1 / 17, 1 - 3 - 5 - 2। इसको आप लिखिए नंबर 1 में पुट कर लेते हैं बाई इक्वेशन नंबर 1। एक्स की जगह क्या पुट करेंगे? वेरिएबल अगर एक्स है तो वाई, तो एक्स वाई, यहाँ एक्स वन एक्स टू है, तो एक्स वन एक्स टू इज इक्वल टू पहले एक्स की वैल्यू, फिर ए इनवर्स की वैल्यू 1 / 17, 1 - 3 - 5 और 2। फिर बी की जगह बी की वैल्यू कितनी है? 5 - 4। तो ये आपके पास क्या आ गया? एक्स इधर आएगा, एक्स वन एक्स टू इज इक्वल टू 1 / 17, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 / 5 प्लस सेकंड एलिमेंट 3 / 4। फर्स्ट रो जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट एंट्री फर्स्ट से, सेकंड एंट्री सेकंड से। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -5 / 5 + 2 / 4, 1 / 17, 5 - 5 = 3, 4 = 12, -25 + 8, 1 / 17, 12 + 5 = 17, और -25 + 8 - 17 को किस पर डिवाइड कर लें? 17 पे, और -17 को किस पर डिवाइड कर लें? 17 पे, 17 / 17, 1 और -1। ये ऊपर क्या है? x1 और x2, x1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1, और x2 की वैल्यू कितनी आ गई? -1। तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरह के आपके पास तीन पार्ट हैं, तीनों पार्ट्स बिल्कुल एक जैसे हैं, तो बाकी दो पार्ट आपने खुद सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ए माइनस बी निकालना है, सिंपल सा खुद कर लेना। बी माइनस ए है, ए माइनस बी माइनस सी है, फिर ए माइनस ब्रैकेट में है बी माइनस सी। तो क्वेश्चन 4 आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 5, ए इसके दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मैं करता हूं, सेकंड आप खुद कर लेंगे।
प्रूव करना है, ए आपने जो प्रूव करना है ए बी मल्टीप्लाई बाई सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी सी। तो पहले आप कौन सा साइड निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे राइट, लेफ्ट हैंड साइड क्या है ए बी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाई सी, तो इसमें कीमतें पुट करते हैं, ए की वैल्यू आयोटा टू आयोटा वन माइनस आयोटा, बी की वैल्यू माइनस आयोटा वन टू आयोटा आयोटा ब्रैकेट क्लोज, और सी की वैल्यू आपके पास टू आयोटा माइनस वन माइनस आयोटा और आयोटा। पहले आपने ए और बी को मल्टीप्लाई करना ब्रैकेट वालों को, सी साथ एडिट लिखते जाएंगे। तो मल्टीप्लीकेशन का क्या रूल है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री से आयोटा मल्टीप्लाई बाई माइनस आयोटा, तो ये माइनस आयोटा का स्क्वायर, टू आयोटा मल्टीप्लाई बाई टू आयोटा फोर आयोटा का स्क्वायर, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं आयोटा मल्टीप्लाई बाई माइनस आयोटा तो माइनस आयोटा स्क्वायर, और सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री से टू आयोटा मल्टीप्लाई बाई टू आयोटा फोर आयोटा स्क्वायर। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम जब कॉलम चेंज करते हैं नॉन स्पेस देते हैं आयोटा मल्टीप्लाई वन आयोटा टू आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा टू आयोटा का स्क्वायर, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वन मल्टीप्लाई माइनस आयोटा और माइनस आयोटा मल्टीप्लाई टू आयोटा माइनस टू आयोटा का स्क्वायर, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट से यानी वन मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा और माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाई टू आयोटा माइनस टू आयोटा स्क्वायर। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम वन मल्टीप्लाई बाई वन वन माइनस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये मेरे बच्चों बन जाएगा फोर आयोटा स्क्वायर में से आयोटा स्क्वायर निकालें तो कितना आयोटा स्क्वायर थ्री आयोटा का स्क्वायर आयोटा प्लस टू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं माइनस वन इधर माइनस आयोटा माइनस टू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन वन माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा थ्री आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन आयोटा टू वन आर माइनस टू आएगा माइनस वन प्लस माइनस आयोटा प्लस टू और माइनस वन प्लस वन, तो ये मेरे बच्चों बन गया माइनस थ्री आयोटा माइनस टू माइनस आयोटा प्लस टू और टू। ये आपने अभी क्या निकाला ए को बी से मल्टीप्लाई किया और साथ आपके पास सी है सी एडिट देखते जाए टू आयोटा माइनस वन माइनस आयोटा और आयोटा फिर टू आयोटा माइनस वन माइनस आयोटा और आयोटा फिर आप क्या लिखिए टू आयोटा माइनस वन माइनस आयोटा और आयोटा इधर भी क्या आएगा टू आयोटा माइनस वन माइनस आयोटा और आयोटा। दोबारा देखें पहले मैंने ए को बी से मल्टीप्लाई किया साथ सी की वैल्यू एज इट इज एंड तक लिखते जाए ए को बी से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दरमियान में स्पेस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट से और सेकंड एंट्री को सेकंड से या फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम है तो फर्स्ट को फर्स्ट से सेकंड को सेकंड से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट से सेकंड एंट्री को सेकंड से सेकंड रो सेकंड कॉलम फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट से और सेकंड एंट्री को सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं सिंपलीफाई कर लें। अब फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना आपकी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो जाएगी। जरा देख लेते हैं अब आपके पास क्या आएगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम तो माइनस थ्री किससे मल्टीप्लाई होगा टू आयोटा से क्या बन जाएगा माइनस सिक्स आयोटा। फिर देखें आयोटा माइनस टू किससे मल्टीप्लाई होगा रफ पे लिख लेता हूं आयोटा माइनस टू मल्टीप्लाई बाई माइनस आयोटा। दोबारा देखें फर्स्ट एंट्री माइनस थ्री है यहाँ फर्स्ट एंट्री टू आयोटा है तो माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाई टू आयोटा माइनस सिक्स आयोटा। इसकी सेकंड एंट्री में दो आगे एलिमेंट हैं इसकी इनको मैं रफ पे हल कर लेता हूँ यहाँ से फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड एंट्री को सेकंड से क्योंकि सेकंड एंट्री में दो एलिमेंट हैं आयोटा माइनस टू तो रफ लेके आयोटा माइनस टू को किससे मल्टीप्लाई करना है माइनस आयोटा से फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड एंट्री को सेकंड से सेकंड एंट्री है क्या आयोटा माइनस टू और इधर माइनस आयोटा रफ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस टू आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस टू आयोटा। दोबारा देखें पहले एंट्री को पहले से मल्टीप्लाई करें माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाई टू आयोटा माइनस सिक्स आयोटा और सेकंड एंट्री को सेकंड इनको इधर रफ पे हल कर लेते हैं आयोटा माइनस टू मल्टीप्लाई बाई माइनस आयोटा। अब फर्स्ट एंट्री को
फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो माइनस थ्री मल्टीप्लाई होगा माइनस वन से, तो क्या बन जाएगा प्लस थ्री, दरमियान थोड़ी स्पेस देते हैं, और फिर सेकंड एंट्री को सेकंड, तो सेकंड एंट्री को रफ ख्याल करते हैं, आयोटा माइनस टू मल्टीप्लाई बाई आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा स्क्वायर माइनस टू आयोटा, आप देखें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो है और ये फर्स्ट कॉलम, पहली एंट्री क्या है रफ पे मल्टीप्लाई करते हैं माइनस आयोटा प्लस टू इंटू टू आयोटा, ये रफ फिगर, अगर एक से ज्यादा एलिमेंट है रफ फिगर, सेकंड रो ये और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं यानी माइनस आयोटा प्लस टू को टू आयोटा से, माइनस आयोटा प्लस टू को टू आयोटा से क्या आंसर आएगा, टू आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा माइनस टू आयोटा स्क्वायर प्लस फोर आयोटा, माइनस टू आयोटा स्क्वायर प्लस फोर आयोटा, और सेकंड एंट्री को सेकंड से टू के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा तो माइनस टू आयोटा, फिर सेकंड रो और इधर से सेकंड कॉलम, फर्स्ट एंट्री आपके पास क्या है माइनस आयोटा प्लस टू, और इधर से देखें सेकंड रो है फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एंट्री को जब फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन आएगा, तो माइनस आयोटा इंटू माइनस वन आयोटा माइनस टू आयोटा माइनस टू, और सेकंड एंट्री को टू, इधर से सेकंड एंट्री आयोटा टू आयोटा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस सिक्स आयोटा प्लस टू आयोटा माइनस फोर आयोटा, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, थ्री आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन माइनस टू आयोटा, और माइनस टू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, फोर आयोटा में से टू आयोटा निकाले तो टू आयोटा, टू आयोटा प्लस आयोटा थ्री आयोटा माइनस टू, तो ये मेरे बच्चों बन गया माइनस फोर आयोटा प्लस वन, इधर थ्री माइनस वन टू माइनस टू आयोटा, या माइनस माइनस प्लस टू प्लस टू आयोटा और थ्री आयोटा माइनस टू, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट होगी। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड, राइट साइड देखो मेरे बच्चों क्या है, राइट साइड, राइट हैंड साइड is equal to a multiply by bc, a multiply by bc, तो first of all a है क्या, a आपके पास है iota 2 iota 1 minus iota, और bracket में b की value मेरे बच्चों है minus iota 1 2 iota और iota multiply by c, c की value मेरे बच्चों 2 iota minus 1 माइनस आयोटा और आयोटा, कितने पुट कर दें पहले किस क्वार्टर में अप्लाई करेंगे, इन दोनों को ये साथ है लेट देखते जाएंगे, आयोटा टू आयोटा वन माइनस आयोटा, अब देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहली एंट्री को माइनस आयोटा को टू आयोटा से अप्लाई करें माइनस टू आयोटा स्क्वायर और वन अप्लाई माइनस आयोटा, फर्स्ट को फर्स्ट से सेकंड को सेकंड से, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस आयोटा मल्टीप्लाई माइनस वन आपके पास क्या आएगा प्लस आयोटा और वन मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस आयोटा मल्टीप्लाई माइनस वन प्लस आयोटा वन मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम टू आप फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें टू टू का फोर आयोटा स्क्वायर, सेकंड को सेकंड माइनस आयोटा स्क्वायर, सेकंड रो सेकंड कॉलम टू आयोटा मल्टीप्लाई वन माइनस टू आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर, इधर देखें यह आएगा प्लस माइनस टू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन माइनस आयोटा आयोटा प्लस आयोटा टू आयोटा, इधर फोर आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर कितना आएगा प्लस थ्री आयोटा का स्क्वायर माइनस टू आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, इनको ऊपर लिख लेते हैं आयोटा और टू आयोटा वन माइनस आयोटा, इधर क्या आएगा माइनस माइनस प्लस टू माइनस आयोटा या टू आयोटा, इधर आएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन तो ये माइनस थ्री बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन इंटू माइनस थ्री और ये आपके पास आएगा माइनस टू आयोटा माइनस वन, माइनस टू आयोटा माइनस वन, इनको फिर मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने क्या कहा था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट एंट्री रफ पे कर देता आयोटा किस मल्टीप्लाई होगा टू माइनस आयोटा, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ क्योंकि एक से ज्यादा एलिमेंट है तो रफ पे कर लेते हैं आयोटा मल्टीप्लाई टू
आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर और सेकंड एंट्री को सेकंड टू सीधा सिक्स आयोटा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आयोटा मल्टीप्लाई बाय टू आयोटा का स्क्वायर और सेकंड एंट्री को सेकंड टू आयोटा मल्टीप्लाई माइनस टू आयोटा माइनस वन। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट और सेकंड एंट्री को सेकंड से मल्टीप्लाई करें, यहां सेकंड एंट्री 2 आयोटा यहां माइनस 2 आयोटा माइनस 1 टू टू का माइनस 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो ये 1 मल्टीप्लाई होगा पहले एंट्री पहले से तो 1 मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस आयोटा तो 2 माइनस आयोटा ही रहेगा माइनस आयोटा मल्टीप्लाई माइनस 3 प्लस 3 आयोटा। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा 2 आयोटा और सेकंड एंट्री सेकंड से यानी माइनस आयोटा मल्टीप्लाई माइनस 2 आयोटा माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस आयोटा। तो ये आपके पास आ गया 2 आयोटा माइनस 6 आयोटा कितने आयोटा बन जाएंगे माइनस 4 आयोटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा ये 2 तीन आयोटा में से एक आयोटा निकाल कितना आयोटा 2 आयोटा 2 आयोटा प्लस आयोटा 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 तो ये आपके पास कितना आएगा माइनस 4 आयोटा प्लस 1 ये आपके पास क्या आएगा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 माइनस 2 आयोटा ये आएगा 2 प्लस 2 आयोटा और ये 3 आयोटा माइनस 2 तो ये आपका आंसर आ गया माइनस 4 आयोटा प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 2 आयोटा यहाँ 2 प्लस 2 आयोटा और 3 आयोटा माइनस 2 एक ही नंबर 2 चेक कर लेते हैं आंसर। एक ही नंबर का लेफ्ट हैंड साइड का आंसर माइनस 4 आयोटा प्लस 1 माइनस 4 आयोटा प्लस 1 2 माइनस 2 आयोटा 2 माइनस 2 आयोटा 2 प्लस 2 आयोटा 2 प्लस 2 आयोटा और 3 आयोटा माइनस 2 3 आयोटा माइनस 2 बाय इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड देयरफॉर ए बी इनटू सी इज इक्वल टू ए इनटू बी सी। अब मेरे बच्चों ये आपको प्रूव हो गया लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखें कि ये मैट्रिसेस में कौन सी प्रॉपर्टी है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कौन सी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पार्ट आपने खुद हल करना है लेकिन उसमें क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव है वो मैं बता देता हूँ बाकी आपने ये ए बी सी दी हैं तो आपने प्रूव करना है ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ये आपने पहले ए को बी में प्लस करेंगे फिर सी से मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड में ए को सी से और बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे दोनों साइडें बराबर हो जाएंगी। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ए सी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया और बी सी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ऑब्जेक्टिवली याद रखें ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है और ये कौन सा है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो ये ऑब्जेक्टिव के साथ आपको तैयार करने हैं। तो क्योंकि आज आपके काफ़ी सारे पार्ट क्वेश्चन थ्री के तीन पार्ट हैं एक मैंने किए दो आपने करने हैं क्वेश्चन फोर के चार पार्ट चारों आपने करने हैं चार और तीन सात और क्वेश्चन फाइव के दो नौ पार्ट हैं ज़्यादा आज इतना काफ़ी है क्योंकि आपने नौ पार्ट जो है वो नीट नोटबुक पर लिखने हैं। अब देख लें इस क्वेश्चन को दोबारा देख लें लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है ए की वैल्यू आयोटा टू आयोटा वन माइनस आयोटा बी की वैल्यू माइनस आयोटा वन टू आयोटा आयोटा और सी की वैल्यू टू आयोटा माइनस वन माइनस आयोटा और आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है ए बी ब्रैकेट में इनटू सी ए की वैल्यू है आयोटा टू आयोटा वन माइनस आयोटा बी की वैल्यू है माइनस आयोटा वन टू आयोटा आयोटा और सी की वैल्यू आपके पास है ब्रैकेट में ये दोनों लिख लें टू आयोटा माइनस वन माइनस आयोटा और आयोटा। आप देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा स्क्वायर टू आयोटा मल्टीप्लाई बाय टू आयोटा फोर आयोटा स्क्वायर। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आयोटा वन सर आयोटा टू आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा टू आयोटा स्क्वायर। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वन मल्टीप्लाई माइनस आयोटा मल्टीप्लाई टू आयोटा माइनस टू आयोटा स्क्वायर और सेकंड रो सेकंड कॉलम वन वन सर वन माइनस आयोटा इंटू आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर ये साथ एज इट इज लिख लें। आप देखें फोर आयोटा स्क्वायर में से आयोटा स्क्वायर निकालें थ्री आयोटा स्क्वायर आयोटा प्लस टू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन माइनस आयोटा माइनस टू इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू फिर माइनस वन ये आयोटा प्लस और माइनस माइनस टू
माइनस माइनस प्लस टू वन प्लस वन। अब देखें थ्री वन माइनस थ्री आईटा माइनस टू माइनस आईटा प्लस टू और टू। अब ये साथ एडिट लिख रहे हैं, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय टू आईटा माइनस सिक्स आईटा और आईटा माइनस टू को माइनस आईटा से मल्टीप्लाई रफ भी कर लें या डायरेक्ट कर लें, माइनस आईटा इंटू आईटा माइनस आईटा स्क्वायर और माइनस आईटा इंटू माइनस टू प्लस टू माइनस आईटा स्क्वायर प्लस टू आईटा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस वन प्लस थ्री आयोटा, जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा स्क्वायर और माइनस टू आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस टू आयोटा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एंट्री फर्स्ट से जब मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा मल्टीप्लाई टू आयोटा माइनस टू आयोटा स्क्वायर प्लस फोर आयोटा और टू मल्टीप्लाई बाय आयोटा टू आयोटा। सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस आयोटा इंटू माइनस वन प्लस आयोटा और टू मल्टीप्लाई बाय माइनस वन माइनस टू और टू मल्टीप्लाई बाय आयोटा टू आयोटा आपके पास आ जाएगा। सही हो गया जी, इसको सिंप्लीफाई कर लें आपकी लेफ्ट हैंड साइड और सेम एज इट इज राइट हैंड साइड को भी आप मल्टीप्लाई करें तो आपके इक्वेशन वन और टू से आप देखेंगे दोनों साइडें इक्वल आ गई हैं, तो लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में ये भी एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो जाए और आप नीट नोटबुक इसकी बनाते जाएँ ताकि जैसे कॉलेज ओपन हो तो हम प्री फर्स्ट में चैप्टर वन कॉलेज में पढ़ेंगे वन और टू और थ्री। मैंने इसलिए स्टार्ट किया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको कम अज़ कम दो दफ़ा आपने लाजमी पढ़ना है, एक दफ़ा आपने ऑनलाइन में भी पढ़ लिए और एक दफ़ा कॉलेज में आपको थ्री पढ़ा दूंगा, रिवाइज हो जाएगा। लिहाजा मेहनत करें क्योंकि ये आपके पास जो छुट्टियाँ हैं इनसे फ़ायदा उठाएँ और इनमें ये जितने चैप्टर तीसरा इंशाल्लाह आगे चौथा भी करेंगे और कोशिश करूँगा कि फर्स्ट टू भी हो जाए ताकि पहले चार चैप्टर आपके मैं छुट्टियों में करवा दूँ। अब आप इसको नोट करना है आपने और मेहनत करें ताकि आपके जो क्विज हैं जो डेली का आपका लेक्चर है उसमें से क्विज बनेंगे, लेकिन अगर क्विज नंबर ये चैप्टर लेक्चर नंबर फाइव है आपके पास लेक्चर नंबर फाइव में ज़रूरी नहीं है कि क्विज जो है आपके पास इसी जो आज पढ़े इसमें से आए, बल्कि पहले जो चार आपके लेक्चर हो चुके हैं उनमें से भी कोई क्विज मैं दे सकता हूँ। इसका मतलब है कि आपको पिछला भी सारा रिवाइज करना है। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।